नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम अनबॉक्स करेंगे मेरा नया एंटीलोप जेन गो सिनर्जी कोर ऑडियो इंटरफेस। प्रीमियम साउंड क्वालिटी और रियल टाइम ऑडियो इफेक्ट्स प्रोसेसिंग मेरा मेन रीजन है इसे अपने स्टूडियो सेटअप में लाने का। आपको मैंने ऑडियो इंटरफेस की मास्टर क्लास में बताया था कि कन्वर्टर्स और प्रीएम्प्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी बात हम थोड़ी ही देर में करने वाले हैं। उससे पहले लेट्स अनबॉक्स। तो ये रहा मेरा बॉक्स और आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है जेन गो सिनर्जी कोर एंटीलोप ऑडियो का। चलिए इसे खोलते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले है इंटरनेशनल वारंटी कार्ड। इसे खोलते हैं और वाह क्या बात है, इसे हमने निकाला। मेरे ऑडियो इंटरफेस को एकदम साइड में रखते हैं सिलिका जेल मॉइस्चर को दूर करने के लिए और कुछ और पुस्तकें। गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। और क्या निकला है, यूएसबी टाइप सी केबल, ठीक है। इसे खोलते हैं, टाइप सी केबल निकली है और बॉक्स इज एम्प्टी। क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है और बॉक्स हो गया खाली और मेरे सामने है मेरा ऑडियो इंटरफेस। चलिए इसे भी इससे निकालते हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत मेटालिक बॉडी, बहुत अच्छी फिनिश है। यहां पर आप देख सकते हैं हेडफोन के दो जैक भी हमें यहां पर दिए गए हैं, जिसके वॉल्यूम अलग अलग हम सेट कर सकते हैं, जो हम थोड़ी देर में ही बात करेंगे। तो फिलहाल बॉक्स में निकला है एक ऑडियो इंटरफेस, एक टाइप सी केबल, और अगर आपके टाइप सी कनेक्ट नहीं होती तो उसका एक और कनेक्टर। सबसे पहले ध्यान जाता है इस बड़ी एलसीडी स्क्रीन के ऊपर। इस पर आप देख सकते हैं ऑडियो के लेवल, इनपुट और आउटपुट दोनों के, सैंपल रेट, क्लॉक एटसेट्रा। दूसरी बड़ी चीज है ये बड़ी नॉब, जो सब कुछ कर सकती है इन तीन छोटे बटन्स की मदद से। सबसे पहले गेन, माइक प्रीएम्प 1 और 2 दोनों का गेन हम यहां से सेट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान। हेडफोन और मॉनिटर का वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं। और एंटीलोप का बटन प्रेस करने से आप वापस बाहर आ जाते हैं। यहां देख सकते हैं दो हेडफोन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही अलग अलग वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, सो दैट आप सेम कमरे में ही अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एक हेडफोन आपके कान में होगा और दूसरा आपके सिंगर के कान में होगा, सो दैट आप साथ साथ मॉनिटर कर सकें और कोई भी और लीकेज ना हो मेरे स्पीकर से। चलिए चलते हैं रियर साइड। यहां आप देख सकते हैं दो XLR माइक इनपुट, यहां पर आप दो माइक इनपुट लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों ही आउट हमारे पास यहां पर दी गई है मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए, और स्पीडिफ इन और आउट भी यहां पर दी गई है। और उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं दो USB टाइप सी कनेक्टर्स। चलिए वापस बात करते हैं A to D और D to A कन्वर्टर्स की। ज्यादातर कन्वर्टर्स सैंपल करते हैं 6-24 बिट्स ऑफ रेजोल्यूशन के साथ, और जब भी ये कन्वर्जन होती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लॉकिंग। मैं आपको बता दूं इसमें 64-bit मास्टर क्लॉकिंग है, फोर्थ जनरेशन 64-bit AFC जिटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के साथ एकदम शार्प कन्वर्जन टाइमिंग है। क्लास लीडिंग ADDA कन्वर्टर हैं जो 127 डेसिबल हेडरूम तक ऑफर करते हैं और लो एंड बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। देन ऑब्वियसली हम प्रीएम्प की बात करेंगे। प्रीएम्प एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंटरफेस में। इसमें दो अल्ट्रा लीनियर कॉन्सोल ग्रेड प्रीएम्प हैं, बस पावर्ड है USB-C 4-in-8-out, यानी कि एकदम फ्यूचर रेडी, सो दैट मैं आने वाले वक्त में और चीजें इसके साथ कनेक्ट कर सकूं। मैक OS और विंडोज दोनों के साथ ही कंपैटिबल है, एकदम मक्खन चलता है, कोई ड्राइवर इशू नहीं आता। और साथ ही हमें मिलते हैं 37 रियल टाइम इफेक्ट्स, जिसकी बात मैं अब करने वाला हूं सॉफ्टवेयर। चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, इट्स ऑन अ होल अनदर लेवल। AFX 2 अगर आप यहां से लेना चाहें $199 का है, जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ इंटरफेस को यूज करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा बहुत ही हाई क्वालिटी इंटरफेस है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसके साथ सॉफ्टवेयर लेना चाहें तो यहां से ले सकते हैं, जो मैंने लिया है। अगर आप यहां नीचे जाते भी हैं आप देखेंगे बहुत सारे यहां पर EQ कंप्रेसर वगैरह, जो मैं आपको यहां बताऊंगा कि वो किस तरह से यूज होने वाले हैं। स्टार्टर पैक है वो $249 का है, उसके अंदर भी हमें यहां पर ऑप्टो कंप्रेसर, DSR, कोरस इफेक्ट, ट्यूब माइक प्रीएम्प, ये सब मिल जाता है। और ब्रिज प्लगइन है AFX 2 DAW, जो कि जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ।
मैं यहाँ जाता हूँ, इट्स ऑन अ होल अनदर लेवल। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी जो सॉफ्टवेयर है हमारे हार्डवेयर के साथ एकदम कनेक्टेड होता है, चाहे मैं अपने हार्डवेयर का ही जो मेरा मेन मास्टर वॉल्यूम है उसे मैं कम ज़्यादा करूँ तो भी वो वहाँ से मूव होगा, अगर मैं यहाँ से मूव करना चाहूँ तो भी वो यहाँ से मूव हो जाता है। तो चाहे वॉल्यूम इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कोई भी चीज़ मुझे यहाँ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। 48 वोल्ट फैंटम पावर आप यहाँ देख सकते हैं, पोलैरिटी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेरा माइक वन है, मेरा माइक टू है, यहाँ से आप कुछ भी प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज कर सकते हैं। मेन गेम जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए मेरा प्रीएम्प टू है जिसके अंदर माइक है और आप सुन पा रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही मेरे पास वही AFX आ जाता है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो बहुत सारे मेरे पास यहाँ पर कस्टम प्रीसेट्स मिल जाते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए अगर आपने गिटार रिकॉर्ड करनी है, वोकल रिकॉर्ड करनी है, कोई और इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना है अपनी वाइब के हिसाब से, लेकिन अगर आप यहाँ जाते हैं तो सुपर हाई क्वालिटी प्लगइन्स यहाँ पर मिलते हैं। एंटीलोप ऑडियो के यूनिक और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हार्डवेयर प्रोसेस की लो लेटेंसी ऑडियो इफेक्ट्स हैं जो अपनी मतलब काइंड में सबसे लार्जेस्ट है। यू नो FPGA और DSP दोनों प्लेटफॉर्म इनेबल्ड फुली एक्यूरेट कंपोनेंट लेवल मॉडलिंग स्टूडियो गियर है ये, बिलीव मी। आप इसके अंदर आपको अगर आप यहाँ पर जाते भी हैं, मुझे विंटेज कंप्रेसर मिल जाएंगे, EQ मिल जाएंगे, क्लासिक माइक्रोफोन, लैंडमार्क गिटार एम्प्स, ट्यूब माइक प्रीज, फिर टेप सैचुरेशन, बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ गया और मैंने ये देखिए ऑटो ट्यून सनर्जी, ये भी अगर आप चाहें परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये सब जितने भी यहाँ पर हैं ये मैंने सब खरीदे हैं। फ़ायदा क्या है, लेट से मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं एक कोई भी कंप्रेसर ऑन कर लेता हूँ, तो अब जो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है आप ये देख पा रहे हैं, ये प्रॉपर हार्डवेयर वाइब है क्योंकि सुपर हाई क्वालिटी एमुलेशंस हैं, और जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ, जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो पोस्ट नहीं, वो प्री पहले ही इसके थ्रू ही पास हो रहा है। मैं चाहूँ तो जितना भी इसकी सेटिंग वगैरह छेड़ सकता हूँ, और मैं गया मैंने इसे बंद किया, वापस वो पुरानी सेटिंग आ गई। मैं यहाँ से गया, चलिए मैं कुछ EQ लेना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर EQ है जिसको मैं सिर्फ प्री ही नहीं अपने मिक्सिंग के दौरान बाद में भी यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसके साथ ही मुझे बहुत सारी माइक की एमुलेशंस भी मिलती हैं, आपका कोई भी एक माइक है उसे आप अलग अलग माइक में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, जो भी उसकी अलग अलग माइक की एमुलेशंस हैं कि अगर वैसा माइक मेरे पास होता उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में तो ऑलमोस्ट किस तरह की वो आउटपुट को एक तरह से कहें सिमुलेट कर सकता था। तो एक बहुत ज़्यादा वेराइटी, बहुत बड़ी रेंज, इससे ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त हाई क्वालिटी प्लगइन्स मैंने अपनी लाइफ में किसी के साथ भी नहीं देखे हैं। इस वजह से मैंने ये सारा जो है परचेज कर लिया था। आप चाहे गिटार को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो पहले ही कुछ इफेक्ट लगाना चाहें, माइक के प्रीएम्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। लेट से मैं यहाँ गया तो मैं अपने माइक फ़िलहाल मैं इसकी सेटिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ आपको ऑन ऑफ करके ही दिखा रहा हूँ, मैं फ़िलहाल इसे चेंज यहाँ पर नहीं कर रहा। मैं यहाँ गया, कट किया, वो चला गया, और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, लेट से विंटेज इक्वलाइजेशन, ठीक है, अपने आप ही एक सेटिंग, दो पुलटेक स्टाइल EQ यहां पर मेरे पास आ गए हैं। अगर आपने कोई चाइल्ड देखा होगा तो उसी की एग्जैक्टली यहां पर मैं चाहूं तो किसी भी हाई को उठाना चाहूं उठा सकता हूं, थोड़ा बूस्ट करना है, कुछ अटेन्यूएट मुझे करना है तो मैं कर सकता हूं, और इसके थ्रू ही मेरा सिग्नल पास हो रहा है रिकॉर्डिंग तक जाते हुए। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एकदम हार्डवेयर वाइब आएगी। मैं इसे वापस यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। बहुत सुपर हाई क्वालिटी प्लगइन्स हैं, और अगर आप ये परचेज नहीं भी करना चाहें तो आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं, लेकिन मेन मैं आपको बताना चाहता था कि सॉफ्टवेयर गेम इज़ ऑन अ होल अनदर लेवल। यहाँ मैं इसे बंद करता हूँ। ये जो सेम मेरे सामने खुला है AFX, ये आप किसी भी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन के साथ खोल सकते हैं। FS स्टूडियो में भी खुल जाएगा एज अ प्लगइन, लॉजिक प्रो में, स्टूडियो वन में, एबल्टन में, कोई भी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर भी ये एक प्लगइन की तरह खुल जाएगा, और वहाँ पे चाहे आपने प्री करना है चाहे बाद में करना है मिक्सिंग के दौरान उसे प्लगइन्स को यूज़ करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं हेडफोन, ये मेरा सेकंड हेडफोन, यहाँ क्लिक किया, ये मेरा पहला हेडफोन, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया है दो हेडफोन्स कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों का वॉल्यूम मैं वहाँ इंटरफेस के ऊपर जो नॉब है उससे भी कंट्रोल कर सकता हूँ और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये मेरा मेन मॉनिटर जो मेरे स्पीकर्स हैं उसका कंट्रोल के लिए। राइट, ये दो मेरे प्रीएम्प हो गए।
तो अगर आप इन सॉफ्टवेयर को, इन प्लगइन्स को यूज नहीं भी करना चाहते, अकेले इस ऑडियो इंटरफेस को भी यूज करना चाहें, तो मैं आपको बता दूं, क्लास लीडिंग ADDA कन्वर्टर है, डिस्क्रीट कंसोल ग्रेड प्रीएम्स हैं, 64-bit AFC टेक्नोलॉजी के साथ है, क्लॉकिंग मतलब अनबिलीवेबल अकूस्टिकली फोकस्ड क्लॉकिंग है एकदम। आप सुन के ही जो क्लैरिटी आपको सुनेगी, मैंने जैसे ही इंटरफेस चेंज किया मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा जो मेरा रूम का अकूस्टिक है वो मैंने चेंज कर लिया है, जो मेरा माइक है, जो मेरे स्पीकर है, जो मेरे हेडफोन है, खासकर हेडफोन्स जैसे ही वो ऑन हुए, आई वॉज माइंड ब्लोन, बिलीव मी आई वॉज माइंड ब्लोन। बस पावर्ड USB-C है और बहुत यूजर फ्रेंडली कंट्रोल्स हैं, स्विचेबल इनपुट्स हैं, लूप बैक फंक्शन है स्ट्रीमिंग के लिए, सेशन को रिकॉल भी कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप यहाँ जाएँ तो इसको आप सेव कर सकते हैं या कोई पुराना चाहें तो वहाँ से लोड भी कर सकते हैं। तो मतलब टोटल ऑन अ होल अनदर लेवल। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ऑडियो इंटरफेस है। इस प्राइस रेंज में इससे ऊपर फिलहाल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत वक्त से मैं सोच रहा था कि मैं और प्रोफेशनल ग्रेड ऑडियो इंटरफेस रखूँगा अपने स्टूडियो में, अपने होम सेटअप में, तो फाइनली मैंने बहुत चुनने के बाद इसके ऊपर मैं आया हूँ। और भी अगर आपका थोड़ा प्राइस डाउन भी हो या अप भी हो, तो और भी मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर दूसरी ऑप्शंस भी आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। लेकिन मेरा जो मेन रीज़न ये भी था कि मैं धीरे धीरे जब कुछ ऑन बोर्ड गियर्स वगैरह मैं साथ और कनेक्ट करना चाहूँगा तो भी मुझे एक फ्यूचर रेडी ऑडियो इंटरफेस चाहिए, जो कि ये है। बहुत ही खूबसूरत है, आपके स्टूडियो में चार चांद लगा देता है, और साउंड क्वालिटी की तो बात ही क्या है। तो इंटरफेस को जरूर चेक कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल, साइनिंग आउट, नमस्ते।